हेलो, मैं रामहित। आज के विद्युत ऋणात्मकता और द्विध्रुव आघूर्ण के टॉपिक में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम विधिवत रूप से विद्युत ऋणात्मकता और द्विध्रुव आघूर्ण को सीखेंगे। विद्युत ऋणात्मकता में उन सभी चीज़ों को सीख पाएंगे जो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग विद्युत ऋणात्मकता और द्विध्रुव आघूर्ण को डिस्कस करते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण सीखने के लिए सबसे पहले हमें विद्युत ऋणात्मकता को देखना होगा। तो पहले करीब में हम विद्युत ऋणात्मकता को ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण की ओर। यदि हम विद्युत ऋणात्मकता को डिस्कस करें तो विद्युत ऋणात्मकता का बहुत ही सरल सा डेफिनेशन है कि किसी यौगिक में परमाणु द्वारा साझा वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति जो होती है उसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। दैट मीन्स, मान लीजिए कि जैसे कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन इस प्रकार से है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। अब जब ये बॉन्ड डिसोसिएटेड होता है तो क्लोरीन हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है कुछ इस प्रकार से। जब खींचता है तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। इसी घटना को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो क्लोरीन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया, साझा वाला इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लिया गया, इसको विद्युत ऋणात्मकता आप कहेंगे। अब इसी टर्म में देखिए, वर्ग में पीरियोडिक टेबल की बात है कि जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर होंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है, जबकि आवर्त में ये रहा वर्ग, वर्ग में ऊपर से नीचे आ जाएंगे निगेटिविटी घटेगा, और ये रहा आवर्त, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो निगेटिविटी बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। इस ऑर्डर में यदि चीजें डिस्कस किया जाए तो फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, उससे थोड़ा सा कम क्लोरीन है, क्लोरीन से कम ब्रोमीन है, और ब्रोमीन से भी कम आयोडीन है। ये निगेटिविटी ऑर्डर हो गया। अब आ जाइए, ये तो ग्रुप की बात हो गई, अब पीरियड के अंदर आ जाइए, वर्ग के अंदर आ जाइए, सॉरी आवर्त के अंदर आ जाइए। तो फ्लोरीन से जस्ट कम ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से कम कार्बन का, कार्बन से कम बोरॉन का, आते रहिए इधर, और अंतिम एलिमेंट है आपके पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का निगेटिविटी सबसे कम हो गया, जबकि फ्लोरीन का निगेटिविटी सबसे अधिक हो गया। डेट मीन्स फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, इसी के अकॉर्डिंग टू हमें टर्म को देखना है। अब जो सबसे आवश्यक चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन से नीचे सल्फर होगा तो सल्फर का निगेटिविटी ऑक्सीजन से भी कम और क्लोरीन से कम। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस होगा, फास्फोरस का निगेटिविटी नाइट्रोजन से भी कम और सल्फर से भी कम। कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकन होगा, सिलिकन का निगेटिविटी कार्बन से भी कम है और फास्फोरस से भी कम है। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑर्डर ध्यान में रहेगा तो ही आप द्विध्रुव आघूर्ण बेहतर रूप से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आवश्यक चीजें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के जरिए क्या कैलकुलेट करना है, तो आवश्यक चीजें हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के जरिए द्विध्रुव आघूर्ण को कैलकुलेट करना। अब इसी कड़ी में थोड़ा सा हमें एक टर्म को डिस्कस करना है, वो टर्म कहलाता है डायपोल डायरेक्शन। डायपोल डायरेक्शन का जो सिंबल होगा वह कट एरो है, ये एरो है और इस एरो को हमने कट कर दिया। अब इस एरो में किस प्रकार से सिंबल बनाएंगे ये चीजें भी समझिए। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो तीर चलाएगा, उसके तरफ हेड रखना, ये तीर रखना है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके तरफ हेड कर देना है। दैट मीन्स देखने से भी लग रहा है कि ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको, बी को डोनेट कर रहा है। तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया बी को, तो ए पर प्लस चार्ज और बी पर माइनस चार्ज, यानी डेल प्लस वाला इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और डेल माइनस वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जिस पर डेल माइनस है उधर हम तीर का नोक रखेंगे, और जिस पर डेल प्लस है उधर हम तीर का सिरा रखेंगे जहां से तीर चलाएंगे। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना है आपको। इसी के जरिए
हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए द्विध्रुव आघूर्ण की ओर चलते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले इसे हम क्लीन कर लेते हैं भाई, द्विध्रुव आघूर्ण की ओर जाने से पहले, और द्विध्रुव आघूर्ण को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां ध्यान से, द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? कोई अणु है हमारे पास, उस अणु में उपस्थित परमाणु के कुछ ना कुछ आबंध होंगे। उस आबंध की लंबाई जो है एल मान लेते हैं और आवेश जो है क्यू मान लेते हैं। इसी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका सिंबल जो है वह म्यू है, अर्थात म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई एल। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब इसके अकॉर्डिंग टू यदि इसका हम यूनिट बनाए तो बहुत सिंपल सा यूनिट आना है, क्या? आवेश का कूलम लंबाई का मीटर। तो इसे हम कह देंगे कूलम मीटर। ध्यान रखिए यहां पर हम जानबूझकर लिख रहे हैं टर्म, ताकि आप इसे सेंटीमीटर ना पढ़े, इसे आपने कूलम मीटर ही पढ़ना है। इन बातों का पूरा पूरा ख्याल रखिए। अब यूजुअली मुख्यतः जो द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट किया जाता है वो डेबी में किया जाता है। डेबी का सिंबल है डी। अब कूलम और डेबी में एक रिलेशन आता है भाई, वो रिलेशन क्या है? तो अगर हम चर्चा कर लें, 1 डेबी इज इक्वल टू तो अप्रोक्स 3.34 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर हो जाता है। तो 1 डेबी का वैल्यू हो गया 3.34 × 10⁻³⁰ कूलम मीटर। ये ऐसा टर्म्स आ चुका है। अब इसी टर्म्स को आगे हम डिस्कस करें, यूजुअली कंपाउंड की ओर ले जाए। कंपाउंड की ओर ले जाने से पहले अब एक चीजें और समझ लें कि द्विध्रुव आघूर्ण जो है, द्विध्रुव आघूर्ण ना, तो द्विध्रुव आघूर्ण हमारा दो प्रारूप में हो सकता है। एक प्रारूप हो सकता है कि द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू जीरो आ जाए, दूसरा प्रारूप हो सकता है द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू जीरो ना आए। जब द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू जीरो आ जाएगा तो वैसे अणु को हम कहेंगे अध्रुवीय अणु। ध्यान रहे, जब द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू जीरो हो तो वैसे अणु को हम कहेंगे अध्रुवीय अणु, और जब द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू जीरो ना हो तो उसको हम कहेंगे ध्रुवीय अणु। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय का जांच इसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। अब किसी भी कंपाउंड को, मॉलिक्यूल्स को चेक करना है कि कौन ध्रुवीय है और कौन अध्रुवीय है, इसका सत्यापन किया जाता है डायपोल डायरेक्शन के जरिए। कैसे करेंगे? तो डायपोल डायरेक्शन के जरिए करेंगे। तो चलिए एक दो कंपाउंड देखते हैं और डायपोल डायरेक्शन करते हैं। डायपोल डायरेक्शन से पहले थोड़ा बहुत हमें कंसेप्ट होना चाहिए लॉन पेयर के ऊपर कि लॉन पेयर क्या है। लॉन पेयर किसी भी एटम के पास वो इलेक्ट्रॉन होता है जो ऑक्टेट में तो पार्टिसिपेट करता है लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एज लाइक मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और इससे 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, ये हाइड्रोजन भी डुप्लेट पूरा कर लेगा, ये हाइड्रोजन भी डुप्लेट पूरा कर लेगा। ऐसे सिचुएशन में नाइट्रोजन फिर सबसे ले लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अब आप ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं जो ऑक्टेट में तो पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसी को कहते हैं लॉन पेयर। और लॉन पेयर का जो डायपोल डायरेक्शन होता है वो आउटर साइड होता है। वो कैसा होता है सर? आउटर साइड डायपोल डायरेक्शन आता है। आउटर साइड डायपोल डायरेक्शन दैट मींस बाहर की ओर डायपोल डायरेक्शन आएगा। किसका? लॉन पेयर का। इन चीजों का पूरा पूरा ख्याल रखना है। तो चलिए अब इसी कड़ी में कुछ एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं डायपोल मोमेंट से संबंधित। और उसी के जरिए हम पता कर पाएंगे कौन ध्रुवीय है और कौन अध्रुवीय है। बहुत आसान काम है, इस पर ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मली इस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मानिए हमने एक एग्जांपल लिया यहां पर CO2, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अभी जो टेबल आपने देखा था वो टेबल क्या था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर लूं। क्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन, क्लोरीन से कम ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम कार्बन, कार्बन से कम बोरॉन, बोरॉन से कम हाइड्रोजन, इतना से कम चल जाएगा हमारा। तो देखिए ऑक्सीजन स्टेबल के अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन का नेगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन का नेगेटिविटी कम है, डेट मीन्स कार्बन पर हम डेल प्लस कर देते हैं, ऑक्सीजन पर हम डेल माइनस कर देते हैं। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऑक्सीजन की तरफ, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, ऑक्सीजन का नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के नेगेटिविटी में अपोजिट साइड है। भाई जब अपोजिट साइड हो, जब हमारा कोई अपोज करे, विरोध करे, तो हमारा शक्ति उसमें तो खत्म होगा ना, बिल्कुल वही सिचुएशन होता है। ये ऑक्सीजन का शक्ति, ये ऑक्सीजन फिनिश कर देता है और इसका डायपोल मोमेंट्स हो जाता है जीरो। और जब डायपोल मोमेंट्स जीरो हो जाएगा तो इस अणु को हम कहेंगे और ध्रुवीय अणु। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं SO3। SO3 में सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखिए सल्फर ग्रुप 16 में है और ग्रुप 16 में ऑक्सीजन से जस्ट नीचे सल्फर होता है, ऑक्सीजन का नेगेटिविटी अधिक और सल्फर का नेगेटिविटी कम होता है, डेट मीन्स सल्फर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा और जबकि सभी ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएंगे। तो सल्फर से तीर चलेगा ऑक्सीजन की ओर। देखिए अब इस लाइन को हम बीचों बीच करते हैं, यहाँ अगर नोटिस करिए तो यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट्स है, यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट्स है, ये इस तरफ जा रहा है और ये प्रोसेस इस तरफ जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में इसका डायपोल मोमेंट्स, यानी ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इस दोनों ऑक्सीजन का डायपोल मोमेंट्स बिल्कुल बीच बीच हो जाएगा और इस यहाँ पर जो बीच वाला डायपोल है, इसका जो पावर होगा, इसका और इसका पावर का एवरेज हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब चूंकि ये ऑक्सीजन का आधा और ये ऑक्सीजन का आधा, दो ऑक्सीजन का आधा आधा पावर, मतलब एक ऑक्सीजन का कंप्लीट पावर होगा बीच वाला, अर्थात ये एक ऑक्सीजन को अपोज करने के लिए ना ऑलवेज तैयार होगा, इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि ये भी आधा है और ये भी आधा ही है। अब चलते हैं इस ऑक्सीजन की तरफ। भाई ऑक्सीजन, इसका डायपोल डायरेक्शन आउटर साइड में होगा तो हम आउटर साइड में कर लेते। अब देखिए चूंकि ये भी अकेला ऑक्सीजन, ये भी अकेला ऑक्सीजन, कट गया, कट गया, तो इसका डायपोल मोमेंट्स आ गया क्या, जीरो। मतलब डायपोल मोमेंट्स जीरो, डेट मीन्स ये भी मॉलिक्यूल्स कैसा हो गया, अध्रुवीय हो गया। तो हमने दो एग्जांपल यहां पर देखा, दोनों का दोनों एग्जांपल अध्रुवीय का आ चुका है। अब हम प्रयास करते हैं कि ऐसा एग्जांपल लें जो अध्रुवीय ना हो के कैसा हो जाए, ध्रुवीय हो जाए। देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यूजली एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं HCl। HCl हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है इसका, क्लोरीन का नेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मींस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा और कार्बन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट करेगा, खींचेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होना है, अब देखिए क्या यहाँ पर डायपोल डायरेक्शन का विरोध करने वाला कोई है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में डायपोल एक ही दिशा में चलते रहेगा, जब ऑलवेज चलते रहेगा, जब आपका कोई विरोध ना करे तो आप केवल और केवल आगे बढ़ते रहोगे, डेट मीन्स इसके जो डायपोल मोमेंट्स होंगे वह डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। और डायपोल मोमेंट जब जीरो नहीं होगा ना, तो इसे आप कहेंगे ध्रुवीय अणु, ये आपका ध्रुवीय हो जाएगा, जबकि ये दोनों का दोनों आपका कैसा था, अध्रुवीय था, जब भी आप सब में लगा देंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। चौथा एग्जांपल है BF3। अब BF3 को यदि हम ध्यान से देखें, बोरॉन है, बोरॉन के आउटर सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन के आउटर सेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 120 डिग्री के एंगल पे तीनों फ्लोरीन अटैच हो जाएगा, हो गया अटैच। अब तीनों फ्लोरीन जब 120 डिग्री के एंगल पे अटैच होगा ना, तो देख लीजिए बोरॉन है और फ्लोरीन है, और भाई साहब वैसे भी फ्लोरीन के सामने में कौन टिकना, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के इतना नेगेटिविटी और किसी भी एलिमेंट का है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपने तरफ खींच लेगा, मजबूरन बोरॉन को अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और देखो रूल भी गजब का है,
जो इलेक्ट्रॉन देता है ना उस पर प्लस चार्ज आता है और वो खुश हो जाता है कि भाई हम तो पॉजिटिव हो चुके हैं, हम तो किसी को दिए हैं, हम किसी से कुछ लिए नहीं है। तो हमेशा देना सीखो, देने की बात तो होती रहेगी। अब जाइए किसमें आ जाते हैं, ये हो गया डेल निगेटिव, ये डेल निगेटिव, ये डेल निगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। अब देखिए चूंकि ये एक एंगल में है 120 डिग्री के एंगल में, तो इसका बीचों बीच डायपोल डायरेक्शन बनेगा। और इस डायपोल डायरेक्शन को देखिए, आधा फ्लोरीन कुल मिलाकर पूरे एक फ्लोरीन का डायपोल डायरेक्शन इस एक फ्लोरीन के डायपोल मोमेंट को खत्म कर देगा, शून्य कर देगा, शून्य कर देगा। दैट मींस डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। डायपोल मोमेंट जैसे ही जीरो होगा, अणु हमारा कैसा हो जाएगा, अध्रुवीय हो जाएगा। तो साधारण तौर पर आप ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु को पहचान सकते हैं। जरूरी है इस पर अभ्यास करने का, जब तक आप इस पर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्लास ट्वेल्थ में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। तो अपने साथियों के बीच इसे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। हम एक दो कंपाउंड लिख देते हैं HW के तौर पर, जिसे आप ट्राई करके देख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिख दिया CHCl3, दूसरा हमने लिख दिया CH3Cl, तीसरा हमने लिख दिया CCl4, चौथा लिख लिया हमने NH3 और पांचवा लिख लिया NF3। इन पांचों मॉलिक्यूल्स में आप चेक करिए कि कौन ध्रुवीय है, कौन अध्रुवीय है, किसका डायपोल मोमेंट शून्य होगा और किसका डायपोल मोमेंट शून्य नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।